एवरीवन, तो आज सैटरडे और अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट लंच करके अभी हम निकल रहे हैं। आज थोड़ा सा बाहर जा रहे वही मॉल में, पर किसी और वजह से, वहाँ पे मेरा एक काम है, उस काम की वजह से। तो लोकेशन देखने हम जा रहे हैं, यही प्रॉब्लम होता है इस ट्रिप के साथ, ऐसी प्रॉब्लम होता है। गैलेरिया में हम बहुत दिनों से घूम रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने देखे, जो भी मतलब जरूरत की चीजें देखी, पर ये फूड कोर्ट हमने कभी नहीं देखा। पहली बार गूगल में सर्च करने से हमें मिला कि यहाँ पे कितना बड़ा फूड कोर्ट भी है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं तो विजन बोल रहे हैं कि चलो जब आ ही चुके हैं इनके फूड कोर्ट देखने, तो थोड़ा सा स्नैक्स कुछ ले लेते हैं। तो वही मिथुन और आर्यन गए हैं वहाँ पे चाइना साउथ, वहाँ से हम कुछ स्नैक्स ले रहे हैं स्टार्टर एक्चुअली। तो ये हमारे लिए नया लग रहा है कुछ, तो देखते कैसा होता है इनका फूड। बहुत अच्छा है। आने के बाद एक्चुअली मैं सो गई थी, मिथुन सो रहे हैं सोफे पे और मैं यहाँ पे आके सो गई। लंच के बाद थोड़ा सा सोने का भी आदत हो चुका है, पर आज वो भी नहीं कर पाई। मुझे लगा था कि चलो थोड़ा सा बाहर जाते, सैटरडे संडे अभी लगभग हम घर में ही रहते, ज़्यादा कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। फिर मिथुन बोल रहे कि हाँ फिर चलो, तो चले गए थोड़ा सा वहाँ पे, मतलब मॉल वॉल घूम के कुछ लिया तो नहीं, ऐसे ही मॉल वो घूम के आ गए और अभी आके मतलब सो गए। और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऑस्कर को फिर से थोड़ा सा स्नैक दिया, मतलब बिस्किट और कैल्शियम स्टिक वो सब दिया। उसके बाद ऑस्कर भी अभी कॉर्नर में सोए हुए है। आर्यन चले गए थे सीधा खेलने और मैं इस रूम में, मिथुन उस रूम में, हम दोनों ही सो गए, इतना ज़्यादा नींद आई थी। यही था के था সোনা বাবা, সোনা বাবা আলতো আলতো ঘুম রয়েছে চোখে, সোনা বাবা ইসে জাদা ইনোসেন্ট অ্যানিমাল মানে আজ তক নেই দেখা। বানা লেতে হে জলদি সে চায়, শাম হো গই হে, আগে চায় নি বানাউঙ্গি, চায় নি পিয়া তো কিয়া শাম কো এনজয় কিয়া, আর ও ভি স্যাটারডে সানডে, বহুত জরুরি হে। और आप मेरे किचन का ये जो सेटअप देख रहे हैं ना, मतलब बहुत दिनों से ये देखते आए, जब से मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ तब से आप ऐसे ही किचन देखते आए हैं। पर अभी मैं इस दुर्गा पूजा में अपने किचन का सेटअप कुछ चेंज करने वाली हूँ। और अभी से तो हम पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया है, मेरे घर का जो पूजा है, इतने दिन तक तो हम पूजा भी नहीं कर पा रहे थे। अभी जितने भी सारे कपड़े क्लीन करना बाकी था वो सब हमने क्लीन कर लिया है, अभी पूजा भी हो रहा है घर में। तो मैं सोच रही हूँ सारे घर को भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँ। और स्पेशली जो नॉन बेंगोलीज है ना, उनके लिए मैंने हमेशा देखा है कि दिवाली के टाइम में वो साफ सफाई होती है,
और इस बार तो हमारा साफ सफाई और भी ज्यादा जरूरी है, पूरे घर का साफ सफाई। और तो हम बंगालीज, मैं बचपन से देखती आई हूँ कि मेरे घर में दुर्गा पूजा से पहले साफ सफाई होता था। हर 4-5 साल बाद दुर्गा पूजा से पहले ही घर को कलर किया जाता था। तो ऐसे मतलब दुर्गा पूजा मतलब बंगाली के लिए बहुत बड़ी चीज। तो थोड़ा बहुत चेंज अभी दिखेगा आपको मेरे घर में, क्योंकि पूरा मतलब A to Z सब कुछ क्लीन करना होगा, जरूरी है, ये रिचुअल से हमारा करना पड़ता है। घर में अगर किसी का डेथ होता है तो हर एक चीज जो आप पहनते हो उस टाइम में भी सोच समझ के चीजें पहनना चाहिए। कुछ चीजें तो हमें यूज ही नहीं करना है, वो किसी को दे देना होता है या उसे फेंक देना होता है। और ऐसा तो हर एक चीज नहीं होता, अगर अब बाहर जा रहे हो जैसे कि हमें ट्रैवल करना पड़ा तो उस टाइम में अच्छे वाले जो कपड़े हैं वो तो ऐसे ही हम फेंक नहीं सकते, तो वो सारे कपड़े अच्छे से क्लीन हो चुका है पहले, और 1 महीने तक जो भी कपड़े हमने पहने वो अच्छे से क्लीन हुआ है। इसलिए आपने देखा है कि मैं बीच बीच में ब्लॉग भी स्किप किया है क्योंकि पॉसिबल नहीं हो रहा था सारी चीजें करना। और ये तो अभी धीरे धीरे मैं एक एक रूम पकड़ पकड़ के मैं क्लीन करूंगी, हर एक चीज को क्लीन करना और फिर गंगा जल का छिड़कना, ये सब है रिचुअल्स। अच्छा तुम्हें चाकी ब्लैक ना कि ये मिल्क? ओके थोड़ा सा वॉक कर लें। बहुत दिनों के बाद, हाँ बहुत दिनों के बाद हम बाहर आज थोड़ा बहुत वॉक करें। और पीछे आपको शायद दिखा नहीं देगा, बहुत दूर मिली दी और सुदीप्ता दी बैठ के वो लोग बातें कर रहे थे, तो अभी तक हम भी थोड़ा सा बातें करते। आर्यन को जबरदस्ती लेके आई कि तू थोड़ा सा वॉक तो कर ले, तो वॉक उसको भी नहीं हो रहा है, तो नीचे लेके आई। वो आंटियों के पास बैठ गए वहाँ पे गपशप करने, तो हम यहाँ पे उसके लिए हम आए और आज वो वहाँ पे बैठ गए। ऑस्कर को लाने वाली थी पर ऑस्कर ऑलरेडी वॉक कर चुका है, आज इवनिंग का वॉक ऑस्कर का हो चुका है, तो बेचारे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी। आर्यन एंजॉय कर रहे आंटियों के साथ और हम दोनों वॉक को एंजॉय कर रहे, कि दोनों के दोनों इतना इतना ज्यादा लेजी है कि घर से निकालना नहीं चाहते। आर्यन तो फिर भी थोड़ा बहुत खेल लेता है, मम्मी पे गया है, हाँ वही और क्या। आर्यन फिर भी थोड़ा सा खेल लेता है बाहर जाके, और ऑस्कर तो वो भी नहीं करते, इसलिए उसके लिए वॉकर रखना पड़ा ताकि वो 2 टाइम वॉक कर सके। मैं मार खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, तुम्हारे
तुम्हारे जो फ्रेंड्स या व्यूअर्स जो है वो लोग यही बोलता रहता है कि तुम बहुत एक्टिव हो, बहुत काम करते हो, और मैं बोल रहा हूँ कि मम्मी पे गया है, मम्मी पे गया है। मतलब मार खाने का, खुद का मार खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। एक्चुअली घर मिथुनी संभालते हैं सच में। मतलब जो खाना वाना बनाती ना वो मैं बस कैमरा को ऑन करने के बाद जस्ट ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, पर आगे और पीछे सारा काम मिथुन करते हैं। इवन खाना खाने के टाइम में भी मैं दिखाती हूँ कि सर मैं करूँ, एक्चुअली में मिथुन हमें सर्व करते हैं, यहाँ तक कि खिला के भी देते हैं। एक्चुअल में एक्टिवनेस वही होता है जो मॉरल सपोर्ट। अच्छा अच्छा, तो गाइस मैं आज एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी, बहुत दिनों बाद वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पुराने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मुझे बोल रहे थे कि शोमली आप अपने वेबसाइट के बारे में अभी कुछ नहीं बोलते अपने ब्लॉग में। एक्चुअली पिछले साल मैंने इसे स्टार्ट किया था, मेरे इस ऑनलाइन शॉपिंग के जो बिजनेस है उसे अभी एक साल हो गया है, तो तब जबकि नया नया स्टार्ट किया था, तो इसलिए आपके सामने मैंने उससे बार बार आपको कलेक्शन दिखाई थी, उसके बारे में बताया था, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होता है। पर अभी आप सबके प्यार से, भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से वो ठीक ठाक चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा उसे प्रमोट नहीं करती मेरे चैनल में। पर अभी जबकि एक साल पूरा हुआ है, ये भी एक रीज़न है, और स्पेशल रीज़न ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अभी फेस्टिव सीजन चला है, तो बहुत सारे नए कलेक्शंस आए हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूँगी जो कि नए कलेक्शंस के ऊपर है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, और उसके साथ उसका प्राइस भी होगा, तो आप प्राइस को भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ का क्या प्राइस है। तो इस तरह से आई होप कि ज्वेलरी तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ज्वेलरी साड़ी जैसे कि हर कोई पसंद नहीं करते, हर कोई नहीं पहनते, पर ज्वेलरी ऐसा चीज़ है जो कि आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हो, आप स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट के साथ, आप सलवार सूट के साथ पहन सकते हो, कुर्ती के साथ पहन सकते हो, मतलब हर एक चीज़ के साथ। कुछ नेकलेसेस तो ऐसे हैं जो कि आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, लॉन्ग जो चेन टाइप्स, मतलब बहुत सारे कलेक्शन है, आप साइट में जाके देख सकते हैं, पर इतने सारे कलेक्शन मैं आपको नहीं दिखा सकती, पर जो भी इस साल नया अपलोड हुआ है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो गाइस अभी हम
मैं फ्रेम में नहीं आ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। तो अभी हम एक एपिसोड देख रहे हैं एक वेब सीरीज का, क्या नाम है मिथुन इसका? द फैमिली मैन। एक्चुअली मिथुन ने देखना स्टार्ट किया था तो मैं जस्ट अभी भी ज्वाइन कर रही हूँ। तो इसका कोई एड वैड मतलब यूट्यूब में हमेशा एड आता है कोई वेब सीरीज जब आता है तो इसका एड तो मैंने कभी नहीं देखा, पर मनोज बाजपेयी का है और उनका एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीरियस एक्टिंग है। ये मैंने देखना स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग पे एंड करके फिर देखते हैं, वरना मैं कभी कभी भूल ही जाती हूँ कि मैं एक ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी। तो चलिए गाइज अब इस ब्लॉग को ये पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड कल संडे है, कल मैं बनाने वाली हूँ बहुत दिनों बाद संडे स्पेशल लंच, बहुत दिनों बाद मन से खाना बनाने वाली हूँ। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।